दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय एस द न्यूज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। अजीत पवार को भी सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा झटका दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले कुछ टाइम से लगातार महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से मंत्री लगातार किसी न किसी आरोप में फंस रहे हैं और उनको जो है सेंट्रल एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार भी किया जा रहा है, जैसे कि नवाब मलिक और साथ में ही अनिल देशमुख। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अपडेट आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि जारेंद्रेश्वर शुगर मिल, इसके बारे में आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले, जो कि अजीत पवार से जिसका कनेक्शन है और इसमें पिछले काफ़ी टाइम से लगातार बीजेपी नेता किरीट सोमे के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इसमें अजीत पवार और उनके फैमिली मेंबर के द्वारा 1200 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। इस पर काफ़ी ज़्यादा पिछले काफ़ी टाइम से ही बवाल मच रहा था, लेकिन अब जो है इसमें एक बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा इसमें अब एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि अब जो है ईडी की टीम अजीत पवार से रिलेटेड इस शुगर मिल को जब्त कर सकती है। सीधे सीधे कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि वो जो है अजीत पवार से रिलेटेड इस शुगर मिल को जब्त कर सकती है और अपनी तरफ से आगे की कार्रवाई कर सकती है। अब जैसे ही कोर्ट के द्वारा ये आदेश पारित कर दिया गया, उसके बाद ईडी भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और ईडी की तरफ से अपडेट दी गई है कि जैसे ही उनको इस बात का कंफर्म कॉपी कोर्ट की तरफ से मिलेगा, उसके जस्ट बाद वो इस शुगर मिल को अपने कब्जे में ले लेंगे और साथ में ही इससे जुड़े लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करना स्टार्ट कर देंगे। इधर जो है बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि जब इसमें इतना बड़ा घोटाला किया गया है तो आखिरकार इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। साथ में ही लोगों द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर नवाब मलिक और साथ में ही अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाए गए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है तो अब जो है इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। अब देखते हैं कि ऐसा कुछ किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा अगर कुछ हुआ, ईडी के द्वारा अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई हुई और इनको गिरफ्तार किया, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बवाल मच सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।